नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पति को अपने वश में करने का तरीका। पति और पत्नी के बीच एक अनोखा और मजबूत प्यार का रिश्ता होता है। पत्नी अपने पति को हमेशा अपने वश में रखना चाहती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पति और पत्नी के बीच जब कोई दूसरी औरत आ जाती है, जिससे कि उनके बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है और उनका प्यार कम हो जाता है, या पति अपनी पत्नी को पहले जैसा प्यार नहीं करता और समय नहीं दे पाता, जिससे कि पत्नी काफी परेशान होने लगती है और अपने पति को अपने वश में करने का उपाय करती है, जिससे कि वह अपने पति को काबू में कर सके और उसका शादीशुदा जीवन फिर से खुशहाल बीते। अगर आप भी चाहती हैं अपने पति को अपने वश में करना, अगर आपका पति भी आपके वश में नहीं है, आप चाहती हैं आपका पति आपके वश में हो जाए, तो पति को वश में करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकती हैं। ओम है वह पति का नाम ठर ठर स्वाहा। यदि आपके पति आपसे अलग रहते हैं या आपको छोड़कर जा चुके हैं और आप अपने पति को वापस लाना चाहती हैं, तो आपको शनिवार के दिन बताए गए वशीकरण का 108 बार जाप करना चाहिए। फिर यह टोटका करने के बाद एक भोज पत्र पर अपने रक्त से अपने पति का नाम और विवाह की तिथि लिखकर उस भोज पत्र को किसी आग के वृक्ष के नीचे गाड़ दें। इस टोटके से आपका पति आपके पास वापिस आ जाएगा, आपसे प्यार करने लगेगा। अगर आप भी चाहती हैं अपने पति को वश में करना, अगर आप भी चाहती हैं सरल से सरल उपाय जानना, तो आप हमारी दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।